दोस्तों 90s के दशक की अगर सबसे खूबसूरत अदाकारा की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम सोनाली बेंद्रे का आता है, जिन्होंने अपनी हर एक फिल्म में खुद को बखूबी ढालकर एक सफल अभिनेत्री बनाया है। इसीलिए तो आज उन्हें किसी अलग पहचान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सफल अभिनेत्री होने के बावजूद भी सोनाली बेंद्रे बदनामी का शिकार हुई है? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 अभिनेताओं की वजह से सोनाली बेंद्रे पर बदनामी का धब्बा लग चुका है, जिन्होंने सोनाली बेंद्रे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन 4 अभिनेताओं से रूबरू कराने वाले हैं, जिनकी वजह से अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे बदनामी का शिकार हुई है। तो फिर चलिए, देर किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मिलते हैं उन अभिनेताओं से। नंबर 1 पर है शाहरुख खान। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड की बादशाह शाहरुख खान का है, जिन्होंने सोनाली बेंद्रे के साथ फिल्म कल हो ना हो और डुप्लीकेट में काम किया था। लेकिन कल हो ना हो फिल्म में सोनाली ने शाहरुख का ध्यान रखते हुए उनके साथ काफी अच्छा बॉन्ड रखा था, पर जब दोनों डुप्लीकेट फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे तो उस बीच दोनों की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते शाहरुख खान ने सोनाली को सबके सामने काफी बुरा भला कहा था और उन्हें झूठी एक्ट्रेस कहा था, जिस वजह से सोनाली बेंद्रे को शर्मिंदा होते हुए बदनामी का शिकार होना पड़ा था। नंबर 2 पर है गोविंदा। बॉलीवुड के सबसे हसमुख और अपने कॉमेडी अंदाज से जाने जाने वाले अभिनेता गोविंदा की वजह से भी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे बदनामी का शिकार हुई है, क्योंकि जब इन्होंने फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में एक साथ काम किया था तो गोविंदा ने सोनाली को अच्छी एक्ट्रेस ना कहते हुए उनकी इंसल्ट की थी, क्योंकि सोनाली को एक गांव की लड़की की एक्टिंग अच्छी करनी नहीं आ रही थी। इसीलिए गोविंदा सोनाली की बुराई लोगों के सामने करने लगे थे। नंबर 3 पर है अक्किनेनी नागार्जुन। जख्म और अंगारे जैसी फिल्मों में सोनाली बेंद्रे ने साउथ एक्टर अक्किनेनी नागार्जुन के साथ काम किया था और इन फिल्मों में काम करने के दौरान नागार्जुन ने सोनाली को प्रपोज किया था, लेकिन सोनाली को तो कोई और पसंद था, इसीलिए सोनाली ने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। बस इसी बात का बदला लेते हुए नागार्जुन ने सोनाली की झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। इसी वजह से अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे न सिर्फ बदनामी का शिकार हुई बल्कि उनका करियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नंबर 4 पर है कुणाल सिंह। तेलुगु के साउथ एक्टर कुणाल सिंह ने भी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि जब कुणाल ने सोनाली के साथ फिल्म दिल ही दिल में काम किया था तो उस वक्त सोनाली फेमस भी ज्यादा हो रही थी और इस वजह से मेकर्स द्वारा उन्हें पैसे भी ज्यादा मिल रहे थे। बस ये जेलसी कुणाल से बर्दाश्त नहीं हुई और कुणाल ने सोनाली को बुरा भला कहते हुए उनसे लड़ाई कर ली और लोगों के सामने उनकी इंसल्ट की, जिस वजह से सोनाली पर बदनामी का धब्बा लग गया था। वेल, दोस्तों, आपका क्या कहना है इन 4 अभिनेताओं के बारे में जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।